द्वापर का है, ये भगवान के जमाने का समूह मंथन से देखो। अभी हम लोग आ चुके हैं पारिजात वृक्ष के पास, आप देख पा रहे हैं ये हमारे पीछे पारिजात वृक्ष, हम लोग उसी के समक्ष खड़े हैं। इनको बड़ी जल्दी है, जाति पापा फोन किए हैं। और ये हमारे दीपक जी हैं जो यहाँ साइकिल चला रहे हैं। आइए चलिए पंडित जी से कुछ जानकारी ले लेते हैं। एक इधर आप देख पा रहे कुछ कार्यक्रम हो रहा है जिसकी वजह से आवाज थोड़ी कुछ ज्यादा आ रही है, बहुत स्पीकर तेज आप देख सकते हैं। एक बाराबंकी, एक अपने सुल्तानपुर में, दो आपर का है, भगवान के जमाने का समूह मंथन से लिखा है। समूह मंथन से लिखा है, नवरत्न, नवरत्न में तीन जगह है, विश्व भर में तीन है, एक अपने सुल्तानपुर में, एक बाराबंकी, एक तीन से चौथा नहीं है। इसमें फूल होए, कली होए, बीजा हो, नहीं है। तो ये जानकारी दी हमें हमारे पंडित जी ने कि इसमें ये वृक्ष आप लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें फूल नहीं, फूल होता है, कली होती है, ना तो इसकी डाल लगती है, ना ही इसमें कभी बीज होता है। पूरे भारत में सिर्फ तीन ही जगह हैं, एक सुल्तानपुर, एक बाराबंकी, तीसरा आप गूगल कर सकते हैं, हमें जानकारी नहीं। तो आइए चलिए मिश्रा जी, हमारे साथ मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। ये समुद्र मंथन में लिखे नौ रत्नों में से एक था, एक पारिजात वृक्ष। और ये वृक्ष जब समुद्र मंथन में निकला था, उसके बाद जब नरकासुर का वध हुआ था, तब इसे इंद्र जी ने कृष्ण जी को पुष्प इसका पारिजात का अर्पित किया। तो आइए चलिए लेते हैं भगवान श्री कृष्ण का राम राधे राधे। ठीक पंडित जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि पंडित जी ने बताया, पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष को धरती पर लाने का श्रेय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जाता है। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पट रानी रुक्मिणी के साथ थे, तभी नारद मुनि अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए आए और उसे रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी ने पारिजात के फूल अपने जूड़े में लगा लिए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने पूरे पारिजात के पेड़ की मांग की, जिसके बाद श्री कृष्ण ने इंद्र से पारिजात का पेड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया, जिसके बाद सत्यभामा की जिद पर भगवान ने गरुण पर बैठकर स्वर्ग पर हमला कर दिया तथा सभी देवताओं को पराजित कर दिया। हारकर इंद्र को पारिजात का पेड़ सत्यभामा को सौंपना पड़ा, जिसके बाद पारिजात का पेड़ धरती पर आ गया। बोलो हरे कृष्णा। तो गाइस, ये थी पारिजात वृक्ष की जानकारी। आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पिछला व्लॉग हम लोग लेके आए थे सीताकुंड घाट के नौका विहार का था, जो कि एपिसोड फर्स्ट था। सीताकुंड घाट के सेकेंड एपिसोड में हम लोग आपको सीताकुंड घाट के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ वहाँ के महंत श्री विश्वनाथ गिरी द्वारा दिए गए बहुमूल्य जानकारी को आपसे साझा करेंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। मंदिर में से गदा चुरा लिए हैं। ओरी ओरी।